Hello everyone, this is Rajdeep Sharma and students, now we are going to solve exercise 2.2 question number 4. अब question number 4 में हमको करनी है shading. बहुत ही easy question है, आपको solve करने में बड़ा मजा आएगा. अब देखो, यहाँ पे हमको figure दिया हुआ है A, B और C और हमको इन तीनों figure को shade करना है. तो first के लिए क्या लिखा है, 1/2 ऑफ अ सर्कल इन अ बॉक्स, मतलब ये सर्कल का 1/2 पार्ट हमको शेड करना है. फिर सेकेंड देखो क्या लिखा हुआ है, 2/3 ऑफ अ ट्राइंगल्स इन अ बॉक्स, मतलब ये जो ट्राइंगल है उसका 2/3 पार्ट हमको शेड करना है. और देखो थर्ड क्या लिखा हुआ है, 3/5 ऑफ अ स्क्वायर इन अ बॉक्स, मतलब ये जो सी पार्ट है उसका 3/5 पोर्शन हमको शेड करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से. तो देखो 1/2 ऑफ अ सर्कल इन अ बॉक्स, मतलब 1/2 ऑफ, ऑफ जब भी आ जाए स्टूडेंट्स तब हमको क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन. तो इसमें देखो टोटल सर्कल्स काउंट करो कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, मतलब 1/2 ऑफ 12. तो 1/2 ऑफ 12 क्या हो जाएगा, देखो 2 1 2 6 12, तो मेरा आंसर क्या आया, 6. सो हमको कोई भी टोटल 6 सर्कल्स ये फिगर में शेड कर देना. तो देखो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे 6 सर्कल शेड कर दिए हैं, ठीक है. तो इसी तरीके से आपको आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है. अब देखो सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, 2/3 ऑफ अ ट्राइंगल. अब देखो टोटल ट्राइंगल काउंट करो कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल 9 ट्राइंगल है. तो 2/3 × 9, तो 3 1 3 3 9, और 3 × 2 क्या हो जाएगा, 6. तो कोई भी 6 ट्राइंगल्स आपको कर देने हैं शेड, बस इसमें इतना ही करना है, ठीक है. अब देखो इसका लास्ट पार्ट क्या लिखा हुआ है, 3/5 ऑफ अ स्क्वायर इन अ बॉक्स, मतलब ये स्क्वायर को मुझे 3/5 पार्ट इसका शेड करना है. तो टोटल स्क्वायर काउंट करो कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो टोटल 15 है. और जिधर भी ऑफ आ जाए तो हम करते हैं उसका मल्टीप्लीकेशन. सो 3/5 × 15, तो 5 1 5 3 15, तो क्या बचा, 3 × 3 क्या होता है, 9. सो टोटल 9 स्क्वायर ऐसे हैं जो हमको शेड करने. तो ये मैंने आप लोगों के लिए 9 स्क्वायर शेड कर दिया. आप कोई भी 9 स्क्वायर अपनी मर्जी से शेड कर सकते हो. तो बस इतना सा ही ये क्वेश्चन है. सो बस क्वेश्चन नंबर 4 में आपको इतना ही करना था. सो दिस वाज एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 4. चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5.